ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। So how we can calculate inclusive series into exclusive series? Whenever we want to make any further analysis of a series, we need an exclusive series, means all the work is done with exclusive series. Jitna bhi work hame karna hai, आगे जितना भी विश्लेषण करना है वो सब हमें अपवर्जी श्रेणी से करना है, समावेशी श्रेणी से नहीं करना है। तो हमें समावेशी श्रेणी को पहले अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है। लाइक इफ यू वांट टू गेट एवरेज, मीन, मीडियन, ईटीसी, देन वी हैव टू डू एनालिसिस विद एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, माध्य निकालना है या माध्यिका निकालनी है, तो हमें जो समावेशी श्रेणी है उससे काम नहीं चलेगा, एक्सक्लूसिव श्रेणी से काम चलेगा, अपवर्जी श्रेणी से। तो हमको पहले सीखना पड़ेगा कि अपवर्जी श्रेणी में कैसे हम चेंज करें। तो फर्स्ट थिंग वी शुड गेट द डिफरेंस बिटवीन lower limit of one, we should get the difference between higher limit of one class and then higher limit of one class then lower limit of next class. First we get the difference between these, difference it one here, यहाँ पे जो इसका difference है वो one है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक क्लास है उसकी उच्च सीमा पर और उसके अगले वाले क्लास के निम्न सीमा का डिफरेंस पता करेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आ रहा है वन के बराबर। नाउ वी डिवाइड दिस डिफरेंस बाय टू, अब टू से हम इस अंतर को भाग दे देंगे, आंसर इज 0.5। आंसर हुआ हमारा 0.5 वी हैव गॉट। Now what will we do? We subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 in upper limit of every class interval. Minus 0.5 in lower limit plus 0.5 in upper limit. Now new series will be like this, 9.5 to 14.5, then 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5 and 29.5 to 34.5. This will be our new series. We just first get the difference between lower limit and upper limit of one class interval and lower limit of next class interval. एक कोई भी वर्ग है उसकी उच्च सीमा और उसके अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा का पहले तो हम अंतर पता करेंगे। जो अंतर आया उसको दो से भाग दे दिया, भाग देने के बाद हर क्लास में उसकी लोअर लिमिट में जो भाग देने के बाद आया, जैसे इस क्वेश्चन में आया 0.5, तो उसको माइनस कर देना है लोअर लिमिट में, और सब क्लास जितनी भी क्लास है जितनी भी वर्ग है उनकी अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। इन दिस वे वी कैन गेट एक्सक्लूसिव सीरीज, वी कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इंटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस तरह से हम लोग
इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। So here one example is given. Now difference between inclusive series and exclusive series. Inclusive series or exclusive series ka antar. So main difference between exclusive series and inclusive series. In inclusive series we cannot show such items which are in decimals. If any number in inclusive series, like in this series, see, in this series, if any number is 14.9, then how will we show it? अगर कोई भी नंबर है 14.9 तो उसको हम कैसे शो करेंगे? हियर वी कैन शो अप टू 10 टू 14. इफ एनी नंबर इज मोर देन 14 वी कैन नॉट शो इट इन 10 टू 14. इन द सेम वे इफ एनी नंबर इज बिलो 15 वी कैन नॉट शो हियर. मीन्स नाइदर वी कैन शो 14.9 इन द फर्स्ट क्लास नॉर इन द सेकेंड क्लास. हम कोई भी क्लास में 14.9 को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 10 टू 14 में 14 से ज़्यादा वाली वैल्यू रखनी है और 15 टू 19 में 15 से कम वाली वैल्यू रखनी है. अब ये माइक ऑफ करो, जो भी कोई है माइक ऑफ करके रखे, स्क्रीन टच करो. सबसे पहले जो ऑप्शन दिखेगा वीडियो के बाद वो माइक क्या है उसको ऑफ कर दो. तो बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज वी कैन शो एवरी आइटम. इन एक्सक्लूसिव सीरीज वी विल लाइक 10 टू 15, देन 15 टू 20, देन 20 टू 25. सो ऑल आइटम विल कवर इन एक्सक्लूसिव सीरीज. जो अपवर्जी सीरीज है उसमें तो सारे आइटम कवर हो जाते हैं. जो अगर कोई भी हाईएस्ट वैल्यू यानी अपर लिमिट के बराबर है तो उसको हम अगले उसमें रख देते हैं, और अगर कोई लोअर लिमिट के बराबर है तो उसको शामिल ही कर लेते हैं. No. Second difference, in case of exclusive series, value of upper limit of a class is not, sorry, in case of inclusive series, upper limit does not become the lower limit of next class interval. जो inclusive series होती है उसी में किसी भी class इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती है. फॉर एग्जांपल इन इंक्लूसिव सीरीज 10 टू 14, देन 15 टू 19, देन 20 टू 24. इन दिस वे वी राइट क्लासेस. इस तरह से हम क्लास लिखते हैं इंक्लूसिव सीरीज में. सो हियर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल. जो समावेशी श्रेणी है उसमें एक क्लास एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है. बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज वी राइट 10 टू 15, देन 15 टू 20, 20 टू 25 इन एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इस तरह से लिखते हैं और इंक्लूसिव सीरीज में हम ऐसे लिखते हैं. समावेशी में ऐसे लिख रहे हैं और अपवर्जी में इस तरह से लिख रहे हैं. सो इन एक्सक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल. अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल.
अपवर्जी श्रेणी में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है, लेकिन समावेशी में ऐसा नहीं है। ठीक है, नौ एक्सक्लूसिव सीरीज इज यूजफुल वेदर द वैल्यू इज इन कंप्लीट नंबर और इन डेसिमल। एक्सक्लूसिव सीरीज चाहे कंप्लीट नंबर में वैल्यूज हो चाहे डेसिमल नंबर में हो, सब में काम आ सकती है। बट इंक्लूसिव सीरीज इज नॉट गुड फॉर सच सीरीज वेयर वैल्यूज आर इन डेसिमल। इंक्लूसिव सीरीज ऐसे सीरीज में काम नहीं आ सकती, ऐसी श्रेणी में काम नहीं आ सकती है जहाँ पे कुछ मान दशमलव में हो। काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज, हाउएवर टू फैसिलिटेट काउंटिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। मीन्स इफ वी वांट टू डू एनी फर्दर एनालिसिस वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हमें आगे की कोई भी प्रक्रिया करनी है, विश्लेषण करना है, तो हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ता है। एंड वन मोर डिफरेंस इन इंक्लूसिव सीरीज, इफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू हायर लिमिट इन दैट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। इफ वैल्यू एनी वैल्यू इज इक्वल टू 14 इट विल नॉट बी इंक्लूडेड सॉरी इन एक्सक्लूसिव सीरीज। इन एक्सक्लूसिव सीरीज वन सेकेंड, इन इंक्लूसिव सीरीज वैल्यूज विच आर इक्वल टू अपर लिमिट विच आर एडेड इन द क्लास इंटरवल। इफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू 14 इन इंक्लूसिव सीरीज वी विल एड इट, बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज हियर 10 to 15 देन सॉरी सही है ये 10 to 14, अगर 14 के इक्वल कोई है उसको ऐड करेंगे, बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज 10 to 15 15 to 20, इफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू 15 इट विल नॉट बी एडेड हेयर, इट विल बी एडेड इन द लोअर लिमिट वेयर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 15। एक्सक्लूसिव सीरीज यानी अपवर्जी श्रेणी में कोई भी अगर वैल्यू अपर लिमिट के इक्वल है, उच्च सीमा के बराबर है, तो उसको हम अपवर्जी श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं, उस वर्ग में शामिल नहीं करते, उसके बाद अगले वर्ग में शामिल करेंगे। अगर कोई वैल्यू 20 के बराबर है, 20 के बराबर है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्जी श्रेणी में इस वर्ग में नहीं शामिल की जाएगी, इसके बाद वाले वर्ग में शामिल की जाएगी 20 से 25 वाले में। बट इन इंक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज में हम सबको शामिल करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज में अगर कोई भी 10 टू 14 है तो 14 के बराबर जो वैल्यू होगी उसको भी शामिल करेंगे। फिर 15 टू 19 है, 19 के बराबर कोई वैल्यू होगी तो उसको भी शामिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन एंड सीरीज। ओपन इन सीरीज अगला जो पॉइंट है, खुले सिर वाली श्रेणियां। अब इसमें क्या होती है, खुले सिर वाले में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ सीरीज वी डू नॉट राइट लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। खुले सिर वाली श्रेणी में हम जो सबसे पहली लिमिट है, सबसे पहला जो क्लास है, उसकी लोअर लिमिट को नहीं शो करते हैं, और ऐसे ही जो सबसे बड़ी वाली क्लास है
उसकी अपर लिमिट को नहीं शो करते हैं. See, this is the example of open end series. Here, in the first, here, lower limit of first class interval is not given. Here, we have written below 5. And the upper limit of last class interval is also not given. We have written 20 and above. जो सबसे पहला वर्ग है उसकी निम्न सीमा नहीं लिखी है, बिलो 5 लिखा है. और सबसे जो ऊपरी सीमा है, सबसे बड़ी जो क्लास है, आखिरी वाली जो क्लास है, वर्ग है, उसमें उच्च सीमा नहीं दी गई है, 20 और 20 से अधिक ऐसा करके दिया हुआ है. सो वी जस्ट अज्यूम दैट इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल क्लासेज इज 5, then it should be 0 to 5, lower limit of first class interval should be 0 to 5, and upper limit of last class interval should be 20 to 25. हम केवल इतना assume कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जब पहला जितने भी वर्ग हैं उसमें वर्ग अंतराल 5 के बराबर है, तो फिर सबसे जो पहला, सबसे जो छोटी क्लास है, वर्ग है, उसमें भी 5 के बराबर होना चाहिए. तो ये 0 to 5 यानी 0 से 5 होना चाहिए, और सबसे बड़ी वाली जो है 20 से 25 होना चाहिए. हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. Now next is cumulative frequency series. जो अगली है वो है cumulative frequency series, संचयी बारंबारता श्रेणी. In cumulative frequency series, frequencies of previous classes are being added with the frequency of related class. संचयी बारंबारता में जो पिछले वर्ग अंतर हैं, पिछले वर्ग अंतराल हैं, वर्ग हैं, उनकी बारंबारता को हम जोड़ते हुए जाते हैं, और जिस वर्ग की हमें संचयी बारंबारता दिखानी है उसमें भी ऐड करके सब लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड corresponding to each class interval in the series. श्रेणी के हर वर्ग अंतराल के साथ संबंधित उसके पहले की जितनी भी वर्ग हैं उन सब की फ्रिक्वेंसी जोड़ते हुए चले जाते हैं, सबके जो बारंबारताएं हैं जोड़ते हुए चले जाते हैं. See, this is the example. Here, 5 to 10 is the first class. 5 to 10 is the first class. Then 10 to 15 is the second class. 15 to 20 is the third. 20 to 25 is the fourth. And 25 to 30 is the fifth. Means these are different classes and against them their frequency is given. Sub class ke samne unki frequency di hui hai. So ye simple frequency series ho gayi. Now, simple frequency series means this is exclusive series. Simple exclusive frequency series. Now, there are two ways to convert exclusive series into cumulative frequency series. Number one, less than type. Number two, more than type. दो तरह की संचयी बारंबारता श्रेणी होती है, दो तरह से संचयी बारंबारता श्रेणी को बना सकते हैं. क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है उधर? श्रेयान सबस्टेक सही चल रहा है उधर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर ठीक है. तो
तो एक वो होती है जो अपर लिमिट पे बेस होती है, उसको लेस देन टाइप बोलते हैं। हर वर्ग अंतर के उच्च सीमा के आधार पर एक संचयी बारंबारता श्रेणी बनाते हैं, उसे बोलते हैं लेस देन टाइप या से कम वाली संचयी बारंबारता श्रेणी। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द ईच क्लास इंटरवल, लाइक लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, etc. तो जो लेस देन क्लास इंटरवल है, मतलब से कम वाली श्रेणी है, उसमें क्या होता है कि जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह की हम श्रेणी तैयार करते हैं। तो हेयर द अपर लिमिट इज ओनली शोन इफ अपर लिमिट इज 0 टू 10, देन वी विल राइट लेस देन 10, लेस देन 10 एट द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। इफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 10 टू 20, देन वी विल राइट लेस देन 20 ओनली, लेस देन 20। वी कैन आल्सो यूज सिंबल ऑफ लेस देन, हम लेस देन का जो सिंबल है, चिन्ह है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 0 से 10 है तो हम लिखेंगे 10 से कम, और अगर 10 से 20 है श्रेणी तो हम लिखेंगे 20 से कम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एंड इन द सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज मीन्स मोर देन टाइप ऑफ सीरीज वी यूज टू राइट फ्रीक्वेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट इफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 0 टू 10, देन वी विल राइट मोर देन 10. इफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 10 टू 20, देन वी विल राइट मोर देन 10. वी कैन ऑल्सो यूज द सिंबल्स, सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम। मोर देन 10 अगर लिखना है तो मोर देन का सिंबल लगाया और फिर लिख दिया, तो इस तरह से हम करते हैं। नाउ हाउ फ्रीक्वेंसीज आर एडेड, अब फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड वेड करना है वो देखना है अब हमको। सी हेयर द सेम सीरीज विच आर शोन हेयर, जो श्रेणी यहाँ पे दिखाई गई है उसी को नीचे दिखाया गया है 5 to 10। फर्स्ट इफ यू वांट टू मेक मोर देन टाइप, सॉरी लेस देन टाइप पहले करते हैं। इफ यू वांट टू मेक लेस देन टाइप सीरीज, अगर हमें लेस देन टाइप की सीरीज करनी है तब सो वी विल राइट लेस देन टाइप सीरीज। हेयर वी कैन राइट लेस देन इफ वी राइट वंस लेस देन ऑन द टॉप ऑफ कॉमा कॉलम, अगर हम कॉलम के टॉप पे लिख देते हैं लेस देन तो हमें बार बार लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी डोंट नीड टू राइट लेस देन एवरीवेयर। लेस देन 10 अपर लिमिट बिकॉज 10, सो लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। नाउ वी विल गो ऑन एडिंग दीज फ्रीक्वेंसीज, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, बारंबारता है, उसको हम ऐड करते चले जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता निकालने के लिए। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट में केवल 3 आएगी। 5 to 10 मीन्स ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर बिलो 10, 5 to 10 है मतलब 10 से कम ही की तो फ्रीक्वेंसी हुई, सबको पता है क्लियर। 5 to 10 में 10 से ऊपर वाली आनी ही नहीं है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 10 इज 3, इसमें आ गया 3। इन द नेक्स्ट 8 विल बी एडेड, 8 + 3 विल बिकम 11। देन 9, 9 विल बी एडेड लेस देन 20 निकालने के लिए, 20 से कम निकालने के लिए 9 और जोड़ दिया, 20। देन टू गेट लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 वी विल एड 4, मीन्स जिसका भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है आगे उसकी बारंबारता को जोड़ते चले जाना है। जब इफ यू वांट टू गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास
we will go on adding frequency of that class with the to the cumulative frequency of previous class. पिछले क्लास की जो भी संचयी बारंबारता है उसमें हमें उस क्लास की बारंबारता को जोड़ देना है जिसकी हमें संचयी बारंबारता निकालना है. नाउ 20 प्लस 4 विल बिकम 24, देन 24 प्लस 4 विल बिकम 28. इस तरह से ये बन गए लेस देन टाइप. अगर ये लेस देन टाइप भी है और रिटेन लेस देन टाइप ऑन द टॉप ऑफ the column, so we don't need to write less than everywhere. हमने सबसे ऊपर ही लिख दिया है less than, से अधिक तो हमें से कम लिख दिया है, तो अब हमें कहीं पर ये बार बार less than लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है. Now how we make it more than type of series? This is less than type of series. अब more than को कैसे हमें करना है? In more than type, if we have written more than on the top, then we don't need to write it everywhere. एक बार हमने more than लिख दिया तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है. More than series are based on lower limit of class interval, so we will write only lower limit of each class interval. More than type की जो series होती हैं वो क्लास के हर वर्ग की निम्न सीमा पर आधारित होती हैं, तो हमें केवल निम्न सीमा लिखने की जरूरत है. सो लोअर लिमिट ऑफ 5 टू 10 इज 5, 10 टू 15 इज 10, 15 टू 20 इज 15, 20 टू 25 इज 20, 25 टू 30 इज 25. ये सबकी लोअर लिमिट हो गई, निम्न सीमा सबकी हमने लिख दिया है. नाउ मोर देन 5, हेयर इन द फर्स्ट class interval, to write the cumulative frequency of first class interval more than 5, the frequency between 5 to 10 are also more than 5, and which are 10 to 15, between 10 to 15, these are also more than 5, because all next classes include those frequencies, those items which have value more than 5. इसके 5 टू 10 के बाद जितने भी वर्ग हैं सब में उन बारंबारताओं को दिखाया गया है जिनकी जिनके मान जिन मदों के मान जो 5 से ज़्यादा हैं. 5 टू 10 मतलब पहले क्लास से सबके आगे जितने भी क्लास है सब में वैल्यू ज़्यादा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि बाकी सब जो वैल्यूज हैं 5 टू 10 वाले से ज़्यादा ही हैं. मीन्स ऑल फ्रीक्वेंसीज आर मोर देन 5. सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी बारंबारता इस श्रेणी में है वो सबके सब 5 से ज़्यादा हैं. तो वी विल एड ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड राइट इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास. पहले वर्ग में हम जितने भी बाकी वर्ग हैं उनके सब की बारंबारता जोड़ के लिख देंगे और वो पहले वर्ग में लिखेंगे, वो पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएंगे. तो 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 28 आया था शायद, 28 ही हो रहा है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 टू 10 और मोर देन 5 इज 28. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू 15 और मोर देन 10, वी जस्ट सबट्रैक्ट. नाउ वी गो ऑन सबट्रैक्टिंग frequencies of previous class interval to the cumulative frequency of previous class interval to get cumulative frequency of any class interval. किसी भी वर्ग की संचयी बारंबारता पता करने के लिए अब हम पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता में पिछले वर्ग की बारंबारता को माइनस कर देना है. सो 10 टू 15 बिल बिफोर दिस is 5 to 10, 10 to 15 की निकालनी है. इसके पहला इसका जो previous class है वो 5 to 10 हुआ. So we will subtract 3 from 28 to get cumulative frequency of 10 to 15. 10 से 15 की संचयी बारंबारता निकालने के लिए या more than 10, 10 से अधिक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो क्लास है 28 उसकी संचयी बारंबारता में से उसकी frequency बारंबारता यानी 3 को माइनस कर देंगे. Answer will be 25. Then again, cumulative frequency of this class is means 10 to 15. Cumulative frequency of 10 to 15 is 25, and frequency of 10 to 15 is 8.
10 से 15 की संचयी बारंबारता 25 हुई और 10 से 15 की बारंबारता 8 हुई। फिर वही काम करेंगे, अगली वाले क्लास का निकालना है तो हम 15 से 20 का निकालना है तो इसके पहले वाले क्लास में संचयी बारंबारता में से उसकी बारंबारता माइनस कर देंगे टू गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 टू 20। व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट, वन सेकेंड, we will subtract frequency of 10 to 15 from cumulative frequency of 10 to 15. We will subtract 8 from 25. Answer will be 17. So cumulative frequency of 10 to 15 or below 15 is 17. In this way we can get the frequencies of next, means cumulative frequency of next classes. अगली जो क्लासेस हैं उनकी भी अगले वर्ग के संचयी बारंबारता को ऐसे ही हम पता कर लेंगे। 8, 4 तो एनीवन है एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है अभी अभी तक में? कुछ पूछना है अभी तक में? नहीं पूछना है, ठीक है आगे चलते हैं फिर अगला। यहाँ पे सारा दिया हुआ है, हेयर सी नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ कैलकुलेटेड, लेस देन 10, 3 लेस देन 15, 11 लेस देन 20, 20 लेस देन 25, 24 लेस देन 30, 28। हेयर मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी इज गिवेन, मोर देन 5 इज 28, मोर देन 10 इज 25। वी हैव सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 28, देन वी हैव सबट्रैक्टेड 8 फ्रॉम 25, then 9 from 17, then 4 from 8. Now next is mid value series. फुल ले रहा है, बड़ा टाइम लगता है इसमें। In mid value series, we saw frequencies of any class intervals on the basis of their mid values. We just saw mid values of every class interval, then frequency of class interval are shown against the mid values. हम केवल हर class, हर वर्ग की मध्य मान को या मध्य मूल्य को लिखते हैं और उनके सामने उस वर्ग की जो भी बारंबारता है वो लिख देते हैं। So if any class interval is 0 to 10, means mid value of this class will be 5. अगर कोई भी वर्ग है 0 से 10, तो 0 से 10 का मिड वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। हाउ कैन वी कैलकुलेट मिड वैल्यू? वी विल गेट द एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट टू गेट मिड वैल्यू ऑफ एनी सीरीज। इफ एल वन मीन्स लोअर लिमिट इज 0 एंड एल टू मीन्स अपर लिमिट इज 10, देन मिड वैल्यू विल बी 5। अगर किसी भी वर्ग की निम्न सीमा 0 है, 0 है और उच्च सीमा 10 है,
तो उनका एवरेज हम निकाल लेंगे इस तरह से, एल वन प्लस एल टू अपॉन टू कर देंगे, जीरो और दस को जोड़ा और दो से भाग दिया, ये मिड वैल्यू होगी। एंड इफ नेक्स्ट क्लास इज 10 to 20, देन वी एल वन हेयर इज 10, एल टू इज 20, वी विल एड बोथ ऑफ देम देन डिवाइड बाय 2, वी विल एड 10 एंड 20 देन डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 15, सो आवर मिड वैल्यू इज 15। इन दिस वे वी गेट मिड वैल्यूज ऑफ ऑल सीरीज, ऑल कॉस्ट है, जितनी भी क्लासेज है सबकी मिड वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नाउ हाउ कैन वी कन्वर्ट मिड वैल्यू सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलना है? एक्सक्लूसिव को मिड वैल्यू में बदलने के लिए बस मिड वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, लेकिन अब इसका उल्टा अगर करना है, इफ वी वांट टू डू इट्स अपोजिट टू कैलकुलेट टू गेट, वी जस्ट नीड मिड वैल्यूज, वी कैन गेट मिड वैल्यूज बाय गेटिंग द एवरेज ऑफ ईच क्लास, मीन्स लो एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास। हर वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा का जो औसत निकाल के मिड वैल्यू पता कर लिया, इससे मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी तो वही लिखना है, मिड वैल्यू सीरीज बन गई, लेकिन मिड वैल्यू सीरीज को अब एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है अब ये देखना है। सो फर्स्ट थिंग वी गेट द डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज, वी विल गेट द म्यूचुअल डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज। सबसे पहले हम जो भी मिड वैल्यूज हैं उनकी उनका जो म्यूचुअल डिफरेंस है, पारस्परिक जो अंतर है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिड वैल्यूज आर 5, 15, 25, 35, 45, सो वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन 5 to 15 is 10, डिफरेंस बिटवीन 15 to 25 is also 10, डिफरेंस बिटवीन 25 and 35 is also 10, मीन्स डिफरेंस एट एवरी प्लेस इज 10। हर जगह मतलब जितने भी मिड वैल्यूज हैं सब में कॉमन डिफरेंस या उभयनिष्ठ अंतर 10 के बराबर है। सबसे पहला हमारा काम है जितने भी मध्य मूल्य हैं, मध्य मान हैं, उनके बीच में पारस्परिक अंतर देखना है। तो सब में इसमें 10 आ रहा है, पहला 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है, सबके बीच में देख रहे हैं अंतर, 15 में 5 माइनस किया, 25 में 15 माइनस किया, इस तरह से सबका कॉमन डिफरेंस निकल आया। नाउ वी विल गेट इट्स हॉफ, मीन्स 1/2 ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी शोन विद द लेटर स्मॉल आई, स्मॉल आई से हम कॉमन डिफरेंस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 हुआ कॉमन डिफरेंस, सो वी नीड द हाफ ऑफ 10, हमें 10 का आधा करने की जरूरत है। 1/2 into i मीन्स 1/2 multiplied by कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हुआ 10, सो आंसर विल बी 5। कॉमन डिफरेंस सॉरी हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 5। जो इन सब के बीच में उभयनिष्ठ अंतर है या पारस्परिक अंतर है उसका आधा हो रहा है 5। नाउ थर्ड थिंग व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट इट इन द मिड वैल्यू एंड एड इन द मिड वैल्यू टू गेट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। वी विल सबट्रैक्ट इट इन द मिड वैल्यू एंड ऑल्सो एड इट इन द मिड वैल्यू टू गेट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हर वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालने के लिए ये जो उभयनिष्ठ अंतर का पारस्परिक अंतर का आधा किया है 5 आया है, इसी को हमें सभी मध्य मूल्य में घटाना है निम्न सीमा पता करने के लिए, जोड़ना है उच्च सीमा पता करने के लिए। 25 में 5 माइनस करेंगे निम्न सीमा आ जाएगी, 25 में 5 प्लस करेंगे उच्च सीमा आ जाएगी, 35 में 5 माइनस करेंगे निम्न सीमा आ जाएगी, 35 में 5 प्लस करेंगे उच्च सीमा आ जाएगी। तो वही बस काम करना है, घटाना भी वही नंबर है जो आधा किया है कॉमन डिफरेंस का, और जोड़ना भी वही चीज है। सो हेयर 5 - 5 will be 0, 5 + 5 will be 10, 15 - 5 will be 10, 15 + 5 will be 20, 25 minus 5 will be 20, 25
प्लस 5 विल बी 30, सब में वही काम करना है, माइनस भी वही 5 को करना है, प्लस भी वही काम करना है, बस बन गई सीरीज और कुछ इसमें नहीं है, बस बिल्कुल इजी है। See here, lower limit mid value minus 1 upon 2 of lower limit equal to mid value minus 1 upon 2 into common difference, upper limit mid value into 1 upon half of common difference, उसी चीज को minus भी कर रहे हैं, उसी चीज को plus भी कर रहे हैं। So अब ये देखो बन गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सब कुछ बन गया। इधर यहाँ पे सारी टेक्निक्स लिखी है, हाउ वी हैव गॉट दीज नंबर्स आर गिवन हियर, कैसे की पता किया है, सब चीजें इधर दी हैं। Now here in this series mid value have been calculated, no this is also the same conversion of mid value into exclusive series, इसमें भी mid value को exclusive series में convert करते हुए दिखाया गया है। Now frequency distribution with unequal classes, I have already explained it, if most of the values are converges or converge at some particular range and very few values are located below that range, then we use unequal class intervals, we make unequal class intervals. Agar ज़्यादातर values जो हैं मान हैं मद हैं वो कुछ निश्चित मानों के बीच में है और बहुत कम से बहुत थोड़े से मान ऐसे हैं जो दूर दूर फैले हुए हैं, तो जहाँ पे दूर दूर फैले हुए हैं वहाँ पे बड़े क्लास इंटरवल रखते हैं, और जहाँ पे ज़्यादातर फैले हुए हैं ज़्यादातर फ्रिक्वेंसीज हैं वहाँ पे छोटे क्लास इंटरवल रखते हैं, ये तो पिछले बार बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। नाउ यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट, यूनिवेरिएट मीन्स एक चरी, बाईवेरिएट मीन्स द्विचरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक चरी बारंबारता वितरण, द्विचरी बारंबारता वितरण। इन यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी सीरीज वी शो ओनली वन सेट ऑफ डेटा, ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी सबको ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो छोटा कर दें। तो यूनिवेरिएट इज the frequency distribution series which is based on only one sample of data, univariate sample data means if we want to show only income, then income is only one variable. If we show the income level of 20 families, then at one column, in one column we will write income, sorry, in one column we write the name of families or income of families, and in next to it we will write frequency means number of families. Here we write in the first column we will write income, pehle column mein hum income likhenge, family ka naam nahi likhenge, income likhenge, income, then here frequency means number of families, ये univariate हुआ। In bivariate we show income and also expenditure, bivariate में हम दो चीज़ें दिखा सकते हैं, income दिखा दिया, expenditure दिखा दिया,
in bivariate frequency distribution, we saw set of two types of information. We saw two set of information or bivariate sample data. हम बाईवेरिएट सैंपल डाटा यानी ऐसे डाटा को दिखाते हैं जो दो चरी हो, इम्पर इनकम के साथ साथ हम इस फैमिलीज भी मतलब ऐसी उनके जो जो भी फैमिलीज है उनका एक्सपेंडिचर भी दिखा सकते हैं. अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है. अब कल से फिर वही वाली बुक चलेगी. ओके, अब सब लोग बंद कर दो, एग्जिट कर दो. We'll be right back.